आज हम लोग सीखेंगे कि कंडेंसर में प्रेशर डालकर किस तरीके से लीकेज चेक किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका जो एक रू है ना, ये गायब हो चुका है। मतलब एक पाइप यहाँ से टूट गई है, एक ही पाइप वहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे इसको, हाँ हीटर हीटर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे लाइन यहाँ पे जा रही इस तरीके से यहाँ पे गई और वापस ये यहाँ से आते हुए ये लास्ट में यहाँ पे आ गई है। तो हम इस वाले रो को डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद दूसरे वाले से इस तरीके से डालते हुए प्रेशर ये सब में हो जाएगा। मतलब एक पाइप को इस वाले को छोड़ देंगे, यहाँ पे इसको निकाल। ये सिर्फ ध्यान रहे आपको दोनों साथ में ही गर्म करना है, क्योंकि साथ में ही निकलेगा पूरा रो। हाँ साथ में ही निकलेगा। चलिए पूरा हीट करिए और तेज करिए, तेज करिए, तेज करिए। हाँ साथ में ही निकलेगा, ध्यान रहे। हाँ नहीं नहीं अभी हीट होने दीजिए, हीट होने, कोई दिक्कत नहीं, हीट होकर हीट करिए पूरा, हो गया हीट। आप पीछे हल्का से देखिए, अरे रुके, यही गलती करते हैं सर। पेशकश दीजिए, पेशकश दीजिए, रुकिए, पेशकश दीजिए, पेशकश से निकालेंगे, ऊपर से ढकेलेंगे। और हीट करिए, और हीट करिए, आप हीट करिए, बस बस इसे पकड़ रही है, पकड़ रही है, अभी हो जाएगा। अब आपका ढकेलिए, हाँ इसका ढकेलिए, 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 वहाँ ढकेलिए, ढकेलिए, ढके ढके ढकेलिए, पीछे गिर जाएगा उनको, ऊपर गिर जाएगा, बस 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 हटाइए, बस बस अब पीछे से पकड़, रुके 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 आराम से, बस अरे वहाँ नीचे 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 नीचे, बस क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये रो निकल चुका है, हमें एक रो को डिस्कनेक्ट करना है, ये वाला रो देखिए, ये वाला जो रो है दो पाइपें हैं, इसको डिस्कनेक्ट करना है क्योंकि इसमें एक पाइप निकल गई थी, इसको छोड़ देना है ना। यहाँ पे NRB पिन लगा देना है, या हम चाहते हैं यहाँ पे एक पाइप लगा करके ब्रिजिंग करके आगे निकाल सकते हैं। तो पाइप यहाँ पे हम चाहते हैं तो यहाँ पे इसको दबा के यहाँ ब्रिजिंग कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है तो एक और तरीका उसको समझ लीजिए, बाकी वहाँ पे साइड पे कैसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका जानते रहेंगे तो कोई भी यूज कर लेंगे। हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा हल्का सा फैलाएंगे, ये वाला ब्यास अंदर से कहाँ गया वो, एक बाई चार ये वाला ना, थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे अपने हिसाब से, ताकि बस नीचे ना आ जाए वो चीज़। हाथ से ही टाइट करना है, जब भी टाइट करना अच्छी तरीके से, ज़्यादा इसको अगर उससे टाइट करेंगे तो चूड़ी ख़राब हो जाती कभी कभी। बस ये टाइट हो गया, अब इसको इस तरीके से पकड़ना होता है, एक ही आदमी आराम से कर लेगा इसको पकड़ना, इससे यहाँ पे ठोकना, अगर कभी ये अंदर नहीं जाता तो नोज प्लेयर से थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो फिर चला जाएगा। देखिए पहले इसके अंदर ये जाना चाहिए, देखिए गया ना हल्का सा, इतना ही करना, ज़्यादा ना हो जाने और फिर वहाँ से काटना पड़ेगा हमको। बस देखते हैं एक बार, ट्राई करते हैं, हल्का सा और करेंगे, बस ये इसलिए तक करें तक मटेरियल अंदर ना चला जाए, कोई सीमा कितना भी बढ़ा सकते हैं, नहीं ज़्यादा बढ़ाएंगे अंदर जाएगा नहीं ना, बात ये पाइप भी फट जाएगी, नहीं पाइप तो फिलहाल फट जाएगी और, लेकिन ये अंदर जाना भी चाहिए। अब ये हम इतना अंदर डालें तक थोड़ा बहुत, देखिए ज़्यादा टाइट ना, देखिए टाइट जा रहे हैं फुल, मतलब ये मटेरियल अंदर जाने ही नहीं देगा, गया टाइट है, बहुत सही गया है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको पूरी तरीके से ब्रेजिंग करना है, तो चलिए इसको ब्रेजिंग करिए, ब्रेजिंग करिए, पिंच नहीं करें यहाँ, नहीं अब नहीं पिंच करना, देखिए ये इसलिए फैला गया यहाँ, समझिए इसलिए फैला गया था, अगर मटेरियल अंदर भी जाए तो ये और अंदर ना जाने दे, बस इसीलिए फैला गया है, तो वहाँ पिंच करने का ज़रूरत नहीं है सर, जब उसमें से गैस वैस मांगे तो बाहर भी निकल सकता है ना, इसीलिए ना ब्रेजिंग कर रहे हैं। हाँ इसीलिए ये ज़रूरी है ब्रेजिंग। अब लाइए दीजिए, वो कहाँ गया, यहाँ पे हीट करके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अगर मटेरियल पिघलेगा तो बहुत ज़्यादा पूरा राड ही इसमें चला जाएगा, हल्का हीट करके लगा देंगे। राड कहाँ है, राड अपने कहाँ है, राड नहीं, राड देखिए, इसके मुंह को बंद कर देना हमें, अब हो गया सही से ना जी सर। अब ये चेक करना है कि मटेरियल अंदर नहीं गया, ये तो क्लियर है अंदर डाला गया है और वो लगाया गया, तो अब यहाँ से प्रेशर ये NRB पिन जोड़ करके हम लोग प्रेशर यहाँ पे डालेंगे और उसको बंद कर देंगे। तो फिलहाल इसको जोड़िए,
लीजिए जोड़िए, व्यास बढ़ाना पड़ेगा, व्यास बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले इसके पिन को निकाल लिया जाता है। चलिए फैलाइए इसको, लगा करके लीजिए इसको, फैलाइए। ब्रेकिंग मार देंगे इसमें, हल्का ही, ज़्यादा नहीं रहेगा, बस इसमें चला जाए, बस देखिए, बस बस देखिए, ट्राई करिए, बस सही है, ठीक ठीक, बस इतना ही करेंगे। बोलिए ब्रेकिंग बड़ा हो तो काट लेंगे बाद में ना, उसमें एडजस्ट करते समय। देखिए जब ये पाइप यहाँ पे जुड़ी रहेगी जो ना, वही पाइप निकाल के इसमें डालनी रहेगी, वो दिक्कत नहीं आएगी फिर। हाँ ब्रेकिंग करिए, ब्रेकिंग करिए। अब यहाँ पे ये पाइप जुड़ चुकी है और इसमें प्रेशर डालना है, तो यहाँ पे हमें पिंचिंग करना पड़ेगा ना, या तो पिंचिंग करिए या यहाँ से वाल बंद कर दीजिए, दो ऑप्शन है, लेकिन आपको पिंच करके दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पिंच करेंगे। तो इस वाले लाइन को यहाँ से पिलास के ज़रिए से काट लीजिए, तो यहाँ से काट निकाल के पिंच कर लेंगे, बाद में जब लगाना रहेगा इसको निकाल के इसको डाल के पिलिंग कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, काटिए नज़दीक से ही, नज़दीक से ही, हाँ बस बस वहीं से, ठीक है, एकदम सही है, कट गया, निकाल लीजिए, थोड़ा के निकालिए, बस अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे ब्रिजिंग करिए, इसको हीट करके ब्रिजिंग करिए, बस बस हो गया, इसको ब्रिजिंग कर लीजिए, पिंच हो गई है, बस ब्रिजिंग करना है इसको। लव ये सबके नंबर आओ, हाँ दे दीजिए इनको, दे दीजिए, कर लें, हाँ कर लें, फिर जो लोग नहीं करेंगे बाहर कर लेंगे बिल्डिंग। ये पहले ये रुकिए, वो हीट करने का, बस ठीक है, दबाए दबाए जी दबाए, देखिए जब काटते हैं तो दब गया ना पूरे अच्छी तरीके से, बस इसके ऊपर थोड़ा सा मटेरियल लगा देना है आपको बस, ताकि यहाँ से फिर निकले ना कभी। पिंच तो किया ही नहीं है सर, ये पिंच क्यों नहीं किया गया, क्या देखिए कहाँ होल है, कट कट से, हाँ कट से ही पिंच हो गया, खोलिए गैस वक्त तो, बस बस चालू चालू कर, चालू करिए बस, ये ना यहाँ से पाइप गायब हो गई है, गायब हो गई ना, इसलिए वहाँ से लगाते हैं, मैंने प्रेशर डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए ऐसी पाइप थी मैंने, हाँ ऐसी पाइप थी निकल गई थी, इसलिए वहाँ से, यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग कर रहे हैं, मैंने मुँह पे ही, हाँ रोकना है माल थोड़ा सा वहाँ से, सही है, बहुत सही है, ठीक क्लियर, बंद करिए। अब यहाँ पे एक लाइन को बंद कर दिया गया है और एक लाइन यहाँ पे खुली है, यहाँ पे लगाएंगे गेज और डालेंगे इसके अंदर प्रेशर, और प्रेशर डालने के बाद इसको पानी में डुबा दिया जाएगा, तो पानी में डुबाने के बाद जहाँ से लीकेज रहेगा वहाँ से ये प्रेशर निकलेगा, मतलब बुलबुला निकलेगा, जान देंगे वहाँ लीकेज, हीट होगा, हीट होगा, देखिए हीट है, ठीक है। अब लगाइए पिन, नहीं लगाना पिन, हम नहीं लगाना पिन, कर लगाएंगे, अब यहाँ पर लाइन लगाइए, सिर्फ लाइन लगाइए, लाइन लगाइए, किस गैस से डालेंगे, इसी से कि उससे डालेंगे, मैंने फोन से डाली, कोई दिक्कत नहीं, किसी से डाल दीजिए, डालिए, नहीं सही है, सही है, सही है, हाँ किसी प्रेशर डाल, ठीक है, सही है, कंपाउंड से डाल दिए, कंप्रेसर से डाल, चलिए डालिए, कंप्रेसर चालू हो चुका है और कंप्रेसर यहाँ से हवा खींच रहा है, ठीक है ना, और यहाँ डिस्चार्ज लाइन से हवा फेंक रहा है, और फेंक करके कहाँ जा रहा है, ये मैनिफोल्ड का गेज के आउटपुट वाले लाइन में, बीच वाले में, और यहाँ से आउट होकर के कहाँ जाएगा, इस कंडेंसर में जाएगा, फिर कसी है, यहाँ तक कि हवा निकल रहा है, यही हवा इसमें भरना है हमें, कसी है, अभी जब ये कसा जाएगा तो सुई हमारी जो है ना, ये प्रेशर गेज वाली, ये ऊपर जाएगी, देखिए देखिए हिल रहा है, बंद हो जाएगा तुरंत कंप्रेसर, अभी कंप्रेसर कोई टच नहीं करेगा, कसी कसी, हाँ ठीक है, देखिए ये लाइन कसा चुकी है, और यहाँ पे गेज देख सकते हैं आप, बहुत तेज जा रहे, कहीं पर लीकेज है, लीकेज है कहाँ पे, रुके ये हिलना नहीं चाहिए, रुके आवाज़ आ रही है, कहीं से लीकेज है, ज्वाइंट पहले देखिए, ज्वाइंट पहले ना है, नहीं नहीं रुके झाप तो लाइएगा, लेकिन ज्वाइंट पे रहना है सर, यहाँ पर होगी, यहाँ पे थोड़ा सा आगे लोग बैठ जाइए, आगे बैठिए, आगे वाले बैठिए, हाँ आप देखिए कहाँ से आ रही है, थोड़ा समझिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करिए ना, टाइम बहुत है, वही तो कह रहा, यहाँ पे आ रही है, हाँ ना, देखिए जब बड़ा लीकेज रहता है ना पता चल जाता है कि कहाँ पे लीकेज है, छोटा तो चेक करूँ किस जगह पे, उसको सही किया जाएगा ना, अभी झाग लगाइए, झाग लगाइए, झाग लगाइए, पता करें क्लियर एकदम, झाग लगाइए, सर को फिर झाग डालेंगे, हाँ बस बस बस, चलिए फिर तोड़िए यहाँ से, तोड़िए, हाँ बस बस वही है, आराम से, जब कभी फिंस पे मिल जाए तो इस तरीके से फिंस को आराम से तोड़ना, और फिर तोड़ने दीजिए, हवा की स्पीड को स्लो करना,
स्लो होगी तो वहाँ ठंडा होकर आगे बढ़ जाएगी, गर्म होकर आगे बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से निकल रहा है एकदम। बस इसी तोड़ेंगे, हाँ निकल गया, मिल गया। यहाँ पे देखिए लीकेज है, मिल गया। फिलहाल ये लीकेज था कि तोड़ा, लीकेज किया गया बताइए? लग रहा कोई पहले से मार दिया होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसे मारेगा होगा। लीकेज, लीकेज ना भी रहे तब भी तोड़वा जुड़वाना पड़ता। फिलहाल चलिए लीकेज मिल गया, अब ब्रेजिंग कैसे करेंगे उसको समझना है। अब प्रेशर कम से कम बंद करिए, हाँ समझना, यही समझना, हाँ हटा दीजिए, निकाल दीजिए, प्रेशर निकाल दीजिए। अब सब पता चल गया, पता चल गया ना, अब इसको निकाल दीजिए। अब लाइए इसको, लकड़ी से अलग करिए इसको, पहले यहाँ खड़ा करिए, इधर इधर खड़ा करिए, उठा के इधर, हाँ इधर खड़ा करिए। ऐसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे पट्टी पट्टी ये पट करिए, हाँ ऐसे करिए। सभी लोग देखिए आ जाइए, इसको और थोड़ा सा जगह बनाइए तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा सा और जगह बनाइए आराम से। देख नहीं सालों इसी तरीके से तोड़ा जाता है फिर इसको, बस ये इधर वाला भी, इधर वाला देख, इतना टूटने से इसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी तो बहुत सारी जगह है, चलिए अब यहाँ पे देखिए साफ कर दिया गया है अच्छी तरीके से। अब इसको करेंगे हीट, और हीट करके यहाँ पे ब्रेजिंग करेंगे। जो भी करेगा इस साइड से आके ब्रेजिंग करेगा, इस साइड से आकर के इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और ज़्यादा कर लीजिए, इसी पर है आपका, इसी पर जी लगाइए। देखिए लग रहा है राड नहीं, आपका ये लैंप इधर तो नहीं जाना चाहिए, जो वहाँ पे है ना रहेंगे तो आराम से करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लगाइए राड, लगाइए देखिए राड मेरा गर्म करिए, हाँ लगाइए, अब लगाइए, 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 छू जाएगा, बहुत सही लग रहा है, ठीक ठीक है, पूरा लगाइए, पूरा चारों तरफ लगाइए, घुमाइए राड अपना फटाफट, हाँ अरे वाह, ठीक है हो गया, बंद करिए। ब्रेजिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आपने किया है, देखिए यहाँ पे ब्रेजिंग, अब यहाँ से लीक नहीं होगा क्योंकि चिपक के बैठा है राड एकदम चिपक के, ठीक है। अब फिर प्रेशर डाल के चेक किया जाए लीकेज है या नहीं है, नहीं रहेगा तो फिर आप जो एसी निकाले रहेंगे उसमें लगा करके दोबारा से इसको गैस डाल देंगे हम लोग। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए इसको हल्का सा कुछ कपड़े से, उल्टे है, उल्टे है, सही है, कैसा भी रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। खुला है गैस, खुला है, प्रेशर जा रहा है अंदर। अब यहाँ पे सरफ का झाग लगा करके चेक करिए आप लोग कि ये ब्रेजिंग सही किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है, ठीक बस ठीक है। कहाँ से ले, हाँ वहाँ से सीए, देखिए ये प्रेशर चढ़ रहा है ऊपर, ऊपर चढ़ गया है लगभग 70 PSI के आसपास चढ़ चुका है, और यहाँ पे चेक किया जा रहा है। थोड़ा लगाइए, थोड़ा लगाइए, थोड़ा लगाइए, लीकेज जो हमने सही किया तो सही हुआ कि नहीं हुआ, सही से लगाइएगा तो थोड़ा लगा, इतना ज़्यादा लगाने पर नहीं पता चलता है, थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक लगाइए, सही हुआ है, अरे वाह सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रीजिंग जब कर देंगे तो जो हीट लीकेज था वो ख़त्म हो चुका है। देखिए अब कितना तेज प्रेशर जा रहा है ना, पहले 50 पे रुक गया था, नहीं जा रहा था क्योंकि यहाँ से निकल रहा था प्रेशर, तो लीकेज कर लेंगे सही, सिंपल है इसी तरीके से, हाँ जी जी, इसमें हाँ तो 250 डाल दीजिए, क्या गया तो 200 जाने वाला है, 200-250 पे बंद कर दीजिए, हाँ 200 बहुत है प्रेशर चेक करने के लिए लीकेज। और यहाँ पे देखिए ये पिन छः, इसलिए इस तरह से बाहर नहीं निकल रहा और यहाँ से अंदर जा रहा है, और उसके अंदर झाग, हाँ यहाँ पे भी लगा, देखिए यहाँ पे ये बिल्डिंग सही है कि नहीं, सही है, ठीक है। जैसे पूरे फिल्टेशन में इन दोनों आउटडोर का स्किल लग 200-250 डाल दो के चक्कर में, एक कल्याण दोस्त डालना है दोनों आउटडोर दोनों में, डाल को डाल सकते कोई दिक्कत नहीं, ये बंद कर दी हो गया।